नमस्कार, मैं सावन पटेदार धामनगर हेडक्वार्टर धार टेरिटरी इंदौर जोन से। मैं पिछले 2 माह से यूपीएल कंपनी में एज अ फील्ड ऑफिसर कार्यरत हूं। आज मैं आपको यूपीएल के एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताने आया हूं जिससे मैं बहुत खुद आकर्षित हुआ और ये पर्यावरण प्रेमी भी है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक उत्पाद के बारे में, ये क्या है और ये क्या कार्य करता है। ये है यूपीएल का झेबा। झेबा मक्के के स्टार से बना एक तीव्र अवशोषक है। इसे कृषि के अनुरूप बनाया गया है। यह फसल के जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्वों को सोखने, पकड़े रखने तथा पौधे को आवश्यकता होने पर पुनः प्रभावित होने का कार्य करता है। रोपण के वक्त डालने पर झेबा अपने वजन के 450 गुना पानी सोखता है और फिर फसल के विकास के दौरान घुला हुआ पानी और पोषण पौधे को देता है। किसान भाइयों को झेबा को डालने के लिए किसी प्रकार के स्पेशल औजार या अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसे खाद के साथ मिलाना है और रोपण के वक्त जड़ क्षेत्र में डालना है। साथियों, खेत में झेबा को लगाने के बाद फसल के उत्पादन में 20-30% वृद्धि देखने को मिलती है। इतनी अच्छी खूबियां देखकर मैं भी झेबा की ओर आकर्षित हुआ। मैंने इसका ग्लास डेमो करके देखा जिससे मैंने झेबा को फील किया, उसके रिजल्ट देखे और देखने को मिले। और मेरे टेरिटरी मैनेजर प्रवीण पाटीदार सर, जिनका मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। फिर मैंने अपने सारे अनुभव किसान भाइयों के साथ जाकर साझा किए, किसान भाइयों को डेमो दिखाए, उन्हें झेबा की पूर्ण जानकारी दी और फिर किसान भाइयों को झेबा की एंड टू एंड सर्विस प्रदान की। पिछले 2 माह से मैंने केला, पपीता, गन्ना, मिर्च व अन्य सब्जी वाली फसलों में झेबा अप्लाई करवा चुका हूँ। साथ ही साथ मैं प्रत्येक फसलों की झेबा अप्लाई करते के दौरान वीडियो तैयार करता हूँ जिससे मैं सोशल मीडिया के जरिए कई किसान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिससे किसान भाइयों को भी इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं झेबा के बारे में अपने साथियों से कुछ सलाह साझा करना चाहूँगा। अगर आपको झेबा को डेवलप करना है तो सबसे पहले झेबा को फील करना होगा। झेबा को समझने के लिए खेत में जाना होगा, मिट्टी में हाथ डालना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोटल डेमो देखने होंगे, झेबा की खूबियों को जानना होगा और वो किसान भाइयों के साथ अपने अनुभव साझा करने होंगे जिससे किसान भाइयों को झेबा के द्वारा फसल में उपज, गुणवत्ता व मूल्य में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से अनुरोध है, झेबा को समझें और उपयोग करें। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, झेबा दे 19 से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संदीप मालव है और मैं यूपीएल कंपनी में मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर झेबा के रूप में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। आज हम यूपीएल कंपनी के प्रोडक्ट झेबा पर बात करेंगे। झेबा के एडवर्टाइजिंग के लिए हमने हर गांव में छोटे बड़े फार्मर्स को अप्रोच किया और फार्मर मीटिंग्स की। इस मीटिंग के माध्यम से हमने फार्मर को झेबा के फ़ायदे बताए। हमने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर लेवल पर काउंटर पर झेबा की ट्रे वो जार लगाए। जिन किसान भाइयों ने झेबा लगाया, हमने उनके यहाँ दूसरे किसानों को ले जाकर फील्ड डे कराए और झेबा के रिजल्ट दिखाए। झेबा को हमने विभिन्न फसलों में सेल किया, जैसे बात करूँ लहसुन, गेहूँ, धान, सोयाबीन, आलू, सब्जियों में, और फोटोस क्रॉप की बात करूँ जैसे मल्टीकट बाजरा में भी हमने झेबा को सेल किया। फील्ड ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने किसानों से फीडबैक लिया, जैसे बात करूं गेहूं में झेबा की अंडरडोज होते हुए भी पैदावार अच्छी रही कंपेयर टू कंट्रोल प्लॉट। ज़्यादा बारिश होने से कोटा क्षेत्र में गेहूं की फसल में पैदावार में काफ़ी इम्पेक्ट आया, जैसे गेहूं के दानों के नक्के काले पड़ गए, साइज छोटी रही। मगर जिस प्लॉट में झेबा लगा था उसमें दानों की साइज अच्छी रही, चमक भी अच्छी रही और पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकली। अगली फसल लहसुन में भी हमने गांव-गांव जाकर हार्वेस्ट डे करवाए, झेबा से लहसुन की पैदावार अच्छी निकली। प्रति बीघा की बात करूँ तो 1 से 2 क्विंटल पैदावार बढ़ी। इसका मुख्य कारण ये था कि झेबा से मिट्टी भुरभुरी रही, सॉफ्ट रही। इसके टेस्टिमोनियल वीडियो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से अलग अलग किसानों के ग्रुप में, डीलर ग्रुप में शेयर किए। इससे हमें अगले सीजन में झेबा को बेचने में आसानी रही। झेबा से पैदावार में 20-25% तक इम्पैक्ट मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो झेबा है वो अपने वजन से 400 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही जितने भी सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी सोख कर रखता है। ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को पौधों की आवश्यकता अनुसार रिलीज भी करता रहता है। इससे पौधा तनाव में नहीं आता और पैदावार उच्च गुणवत्ता वाली आती है
और मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलता है। अंत में मैं बस गर्व से इतना ही कहूँगा कि जेबादे उम्मीद से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं यूपिल कंपनी में एक साल से काम कर रहा हूँ यूनिमार्ट में, और एलाहाबाद हेडक्वार्टर एक्सटेंशन ऑफिसर पे कार्यकर्ता हूँ। और मैं आपको जेबा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जेबा क्या चीज़ है। और मैंने पिछले साल मस्टर्ड में जेबा लगाया था, लगभग ज़्यादा नहीं बेचा, पिछले साल मैंने 100 kg बेचा था, कुछ वीट में और कुछ मस्टर्ड के अंदर। और उसके अंदर मस्टर्ड के अंदर क्या रहा भी, 1 से 1.5 क्विंटल जाड़ में इजाफा, और गेहूं के अंदर लगभग 1 क्विंटल के जाड़ में इजाफा। तो उसके बाद के अंदर क्या काम किया मैंने, अभी कॉटन के सीज़न के अंदर डेमोस्ट्रेशन और फार्मर से मीटिंग, जार में ये दिखाना और सारा कुछ मैंने किया और फार्मर के टच में रहा, और जो रिजल्टेड फार्मर थे वहाँ पे जाके मैंने दूसरे फार्मर को बताया कि उनके पास जाके पूछो और देखो। तो मेरे साथ फार्मर जुड़े हैं और लगभग मैं 1.5 से 2 टन जेब अभी तक बेच चुका हूँ। और मेरा अनुभव ये कहता है भी यह आने वाला भविष्य है, जेबा है तो सब कुछ है। धन्यवाद।